महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थोड़े दिनों पहले ओला का S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था, लेकिन 4 या 5 दिन में ही उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद पड़ गया। एंड जब उन्होंने कंपनी से इस बात की कंप्लेंट करी तो कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एंड फिर उन्होंने परेशान होकर गधे से अपनी ओला S1 Pro को बांधा एंड फिर पूरे शहर में उसको घुमाया। उन्होंने सारे लोगों से ये भी कहा कि कभी भी ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ना लें। बाकी अगर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की असली सच्चाई जाननी है ना, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।